हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और आज मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हर पिछले साल से हर नए साल की तरह आज इस नए साल सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर 2021। और जैसा हमारा न्यू ईयर 2020 में प्लान था नैनीताल का, वैसे ही आज हमारा प्लान है 2021 में मनाली एंड शिमला का। तो दोस्तों, मैं निकला हूँ मेरे गांव जो है नौगढ़ में। ये बनारस में अधिकतर लोग राजदरी देवदरी जाने वाले रास्ते में पड़ता है। अब मैं निकला हूँ अपने गांव से और मैं यहाँ से जाऊँगा वाराणसी। फिर वाराणसी से रात में हमारी ट्रेन है पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस और उसके बाद की आगे की डिटेल मैं आपको बनारस से अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नौगढ़ से आ रहा हूँ, तो पहले आप इस जगह का अच्छे से मुआयना करिए और आप में से कई लोग इस जगह को पहचानते होंगे। यार देखिए आप इन नज़ारों को, और आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस इलाके में घूमने आए होंगे, राजदरी देवदरी जो भी घुमा होगा वो जानता होगा कि ये पहाड़ कैसे हैं। दोस्तों, अगर इन पहाड़ों की बात की जाए तो इन पहाड़ों पर पहली बार तो बनाए गए जो रास्ते हैं वो ऐसे रास्ते हैं, बनारसी इस तरह के रास्तों के लिए तरस जाते हैं क्योंकि बनारस में रास्ते की हालत कुछ गिरी हुई ही है। दोस्तों, अगर यहाँ थोड़ी सी और बर्फ़ गिरा दी जाए, वैसे यहाँ का इन्वायरमेंट इसकी परमिशन नहीं देता, लेकिन अगर यहाँ बर्फ़ गिरती नेचुरली तो ये भी कोई हिल स्टेशन से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं हूँ अपने दोस्त तरुण के घर। ये है हमारा असंगी दोस्त और हमारी इस समय बन रहे हैं 12:15 और हमारे अपने अब ट्रेन के लिए, मतलब हम कैंट स्टेशन के लिए अब रवाना होंगे। तो ये है मेरा वही असंगी दोस्त, अजीबो गरीब दोस्त तरुण सेठ। आइए थोड़ा इनसे इंट्रोडक्शन देते हैं, इनका भी ये चैनल है। और हम ड्यू टू कोविड के कारण इस बार हम लोगों ने जल्दी कोई प्लान ट्रिप नहीं किया, और ट्रिप जो प्लान हो रहा है इस बार थोड़ा सा सस्पेंस वाला ट्रिप है क्योंकि फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम लोग का है वो चंडीगढ़ रहेगा। चंडीगढ़ के बाद से कोई अभी कंफर्म तो है नहीं क्योंकि एक बंदा चंडीगढ़ से ज्वाइन करेगा, यहाँ से 3 बंदे जा रहे हैं, तो जो बंदा चंडीगढ़ से ज्वाइन करेगा वही पार्टनर वही हेड है। तो अब मे बी मनाली शिमला कहाँ का प्लान होता है ये तो आप लोग अगर वीडियो में से करोगे तो ही पता चलेगा। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए कि इस पूरी ट्रिप में क्या कोई एक स्पेशल ट्रैकिंग होगी या फिर नहीं? मे भी कह सकते हैं कि कोई ट्रैकिंग जरूर है क्योंकि देखिए हर चीज़ तो सरप्राइज रिवील करेंगे नहीं। और रही बात ये, तो समझ लीजिए जिस भी हिल स्टेशन जाएंगे वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट चेक पॉइंट दिखाएंगे आपको। तो तरुण जी, ये बताइए कि इस ट्रिप का प्लान किसका था? प्लान में भी मेरा था, एक मेरे मामा का लड़का है उसका था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और आकाश हमारे भाई हैं तो इन्होंने भी कहा कि हमें भी चलना है, और थोड़ा सा मतलब कि रश था कि कोई कंफर्म हमारा भी नहीं था क्योंकि मे भी आप स्पेशल ट्रेन वगैरह का सिलसिला जान ही रहे हैं कि जिस हिसाब से ट्रेन की बुकिंग वगैरह चल रही है, तो कन्फ्यूज़न थे बहुत से, क्यूरियस थी कि आना जाना ना आ पाएँ। तो लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ कि हाँ चलना है, डेट थोड़ा सा आगे पीछे भी हुआ लेकिन अब फाइनल है, चलना है। तो दोस्तों, ये कि हमने सेठ जी से बातचीत, ये हमारे मित्र हैं और हमारे साथ इस ट्रिप पे हमारे सहभागी रहेंगे। दोस्तों, लाइफ में बहुत कम टाइम ऐसा आता है कि आपको ऐसी ड्रीम ट्रिपें करने को मिले, मतलब आप में से हम में से बहुत सारे लोग हैं क्योंकि जिनके लिए ये ट्रिप बहुत आसान होती है, बट कुछ लोगों के लिए ही ऐसी ड्रीम लोकेशन पे जाना एट द सही टाइम पे पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा मौका मिला, मैंने वहीं छोड़ा, अगर आपको मिला तो आप ही मत छोड़ना, ऐसे ही रहेगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं वाराणसी कैंप स्टेशन पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, जैसा कि रात के 12:30 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने कैंप रेलवे स्टेशन पे, हमारे बनारस की शान, हमारा रेल यातायात। अब
यहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, लेकिन जब से ये नया वाला फ्लाईओवर बना हुआ है तब से यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और रात का टाइम है, बट यहाँ पे आज के दिन पता नहीं क्यों कुछ कमाल है, शायद आज थोड़ी ज़्यादा ठंड नहीं है, आज यहाँ थोड़ी गर्मी है। तो देखते हैं कि हमारा ये हमारे भाई साहब है, 360 व्यू ले लीजिए हमारे 360 व्यू, ये इन्होंने नया नया रेस्पेक्ट लिया है और ये इसे लेके अपना सामान भर के चल रहे हैं हमारे साथ। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे अपने की जर्नी पे, तो आज हमारा तीसरा दोस्त हमसे मिलने वाला है यहीं पे जो आएगा, तो उससे मिलते हैं फिर आपका उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं, तब तक के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा तीसरा दोस्त हमें कैंट रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, तो ये है हमारे तीसरे दोस्त शुभम। करेजा लेकिन भाई ने अभी मास्क अभी उतारा है, इतने मास्क लगाया था भाई, अपना मास्क दिखा दो, देख लो भाई ने अभी मास्क उतारा है वीडियो बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में किसी को वो नहीं करना भाई, देखिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, घूमना है सेफ्टी के साथ घूमना है, प्रिकॉशन है। देखिए कोरोना मास्क और सैनिटाइजर के भरोसे और हम तीनों बाबा भोलेनाथ के भरोसे, इसी बात पे प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों आज की है हमारी ट्रेन, पीछे है हमने अपनी बर्थ तो ले ली है, हमने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी बर्थ फुल है, और लेकिन स्टेशन पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ती गई है और हम भी इसे जो कोविड है ना वो खाली खाली स्टेट वाइज है, ट्रेन वगैरह कुछ मान और नहीं रहे। वैसे इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो आगे हम चलते हैं ट्रेन के अंदर, आपको दिखाते हैं ट्रेन के अंदर हमें कैसी जगह मिली। पहुँच चुके हैं ट्रेन में, ट्रेन चल चुकी है, फुल आएगा, रात का टाइम है, थोड़ा बहुत खाना खा लिया, अब सोने कल सुबह आप लोग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, हम लोग सुबह हो चुकी है, हरदोई से आगे निकल चुके हैं, बरेली पहुंचने वाली है ट्रेन, और मौसम तो चारों तरफ से बस बादल ही बादल मतलब बदली हुई पड़ी है, और धूप का नामो निशान नहीं, हवाएं थोड़ी गर्म है बस, हाई ठंडी लग गई, गर्मी है उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि मौसम ठंडा है, तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ट्रेन की जर्नी है तो कोरोना से ही बचना पड़ेगा। अभी सुबह उठे हुए ब्रश करने आए हैं, इसीलिए मास्क हटाए हैं, ऐसे जजमेंट करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ट्रेन चल चुकी, हम लोग भी जाते हैं बैठ में, आपको बार बार अपडेट करते रहेंगे। हेलो दोस्तों, दो सौ पे थक गए हमारी ट्रेन में, पूरी तरीके से थक चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी बस ट्रेन से उतरे ये हम लोग सुन रहे हैं। अभी हम लोग ये ट्रेन पहुँच चुकी है रुड़की, सुपर फास्ट है, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आने में हम लोग की हालत ख़राब हो गई है। तो प्लीज़ अगर आप लोग आएँ तो कभी अकेले आने का ना सोचें, कम से कम चार से पाँच लोग के गैदरिंग में आए तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोग के लिए, वरना सिर्फ बोरियत है, वरना बहुत बोर होंगे आप लोग जर्नी में, क्योंकि ट्रेन सुपर फास्ट हम लोग की ऑन द टाइम चल रही है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो टाइम बहुत स्टॉपेज अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के हैं, 20 मिनट का स्टॉपेज है, कुछ कुछ स्टेशन पे है ऐसे नहीं है, सुपर फास्ट है मे बी, हाँ डिले हो या ना। चलिए दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं अपनी बोगी में, मिलाते हैं चंडीगढ़ स्टेशन, चलते हैं पुत्र के साथ, बाय बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे, थोड़ा सा मौसम डल है बट ठीक है, हमारे भाई लोगों ने पीछे बैग पे लादा है पूजा, हम अपने डबल बैग पे चल रहे हैं, थोड़ा सा आराम ही है अभी, बहुत बोरिंग सफ़र था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, बट कम्प्लीट हो गया ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि कैंप से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी कैंप बाहर वेट कर रही है, कैंप वाला भी वेट कर रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा था, ट्रेन यहाँ लगी स्टेशन पर लगने में लेट होने लगी, चलिए अब कैंप पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने कज़न के घर, जो कि चंडीगढ़ में है, उसका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और आज हमने ग्रुप में ढेर सारे काम में प्लान बनाया है, ये हमारे उन्होंने अपने चैनल का अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो की इसकी लिंक आ जाएगी, और बाकी की तैयारी हमारी कल की है, जो कल सुबह हमें मनाली के लिए निकलना है, तो बाकी के लिए हम आपसे कल सुबह मिलते हैं, और हमारे कज़न की मुलाकात भी आपसे कल सुबह ही कराएंगे, अभी वो मैच देखने में ज़्यादा बिजी है,
मॉर्निंग बस है देर ब्लॉक के लिए देंगे नहीं चलेंगे अब सोएंगे डिनर कर लिया हो तो आप लोगों ने भी डिनर किया होगा जी तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय स्वीट ड्रीम I should fuck her in a bed.